हेलो, आइए आज हम ट्रेंड लाइंस को देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट पे आ गए और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज हमारा गैप अप तो ओपन हुआ मार्केट। और सबसे पहले समझ लें हम कि आज हमारा मार्केट है वो ऑल टाइम हाई के करीब है। तो सबसे पहले इसे आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लें। देखिए, ये हमारा ऑल टाइम हाई 23,038 के लगभग गया था और अभी ये अगर हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगाएं तो ये इससे ऊपर चल रहा है। लेकिन दोस्तों, देखना होगा कि आज हमारा जो मार्केट ओपन हुआ ये अगले 1 घंटे में अनडिसीजन। तो जब अनडिसीजन के कंडीशन में होता है तो मार्केट समझ नहीं पाता है कि उसे ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ, मतलब सेलर्स आएंगे या बायर्स आएंगे। तो हमें देखना चाहिए, अगर तो सबसे पहले आप अनडिसीजन के समय अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये ध्यान से समझ लें कि आप 20 से 30 पॉइंट का एक माइंडसेट बना सकते हैं। अगर 20 से 30 पॉइंट के लिए आपको ट्रेड लेना हो तो ही आप ले सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अब हम इस अनडिसीजन को देख लें और अनडिसीजन को देखने के बाद आ जाते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम। जब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो सपोज मानिए जो भी लोग कल इसे लिए होंगे उन्होंने यहाँ आकर प्रॉफिट बुकिंग किया 23,409 के आसपास और ठीक फिर 23,405 से ये बैक आया आपका लगभग 23,244, मतलब 150 पॉइंट के आसपास। तो हमको समझना होगा कि ये 150 पॉइंट जो आया तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देगा और आप जब तक 23,400 का अगर पुट ले लेते हैं तो भी आप देखेंगे कि अभी वो प्रॉफिट में नहीं चल रहा होगा। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ध्यानपूर्वक समझना चाहिए कि आज मुझे ट्रेड लेना है या नहीं लेना। तो सबसे पहले आप देख लें कि हमारा 5 मिनट में क्या पोजीशन चल रहा है। 5 मिनट में हम आ जाते हैं और 5 मिनट में हम डे ओपनिंग से जब देखें तो यहाँ से अगर 5 मिनट से हम 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल अगर हम लेते हैं और 5 कैंडल का हाई लो करते हैं, ये हमारे 5 कैंडल का हाई लो है। अब देखना है कि सारा टाइम, मतलब आपके दिन भर में जो अभी तो टाइम आपका 2:22 हो गया और इस 2:22 के दौरान देखिए ना तो ये अपने लो के आसपास आया है ना तो हाई के आसपास आया है। अब हमको समझना ये है कि हमको तो 10 से 20 पॉइंट का ट्रेड लेना है तो ये काफ़ी रिक्स हो जाता है। तो अगर ये लो या हाई के आसपास हो, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास हो तो एक माइंड सेट आप बना सकते हैं कि ट्रेड लेना। तो चलिए आज इसी के ऊपर हम देखते हैं कि अभी 2:20 में क्या हो रहा है। तो ये 2:20 में देखते हैं हम कि पुट के साइड मार्केट आ रहा है। तो अब पुट के साइड में मार्केट आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पुट साइड चले जाएँ क्योंकि सेफ जोन में अभी है नहीं हम लोग। तो इसी पेशेंस को बचा के रखना। अब देखिए, इसने अपना दिन भर में जो ना तो हाई के पास गया ना तो लो के पास गया, अब बीच में ये क्या कंस्टेंटली घूम रहा है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। अब पॉइंटिंग के हिसाब से भी देख सकते हैं कि जितने ग्रीन कैंडल्स हैं वो बायर्स हैं, जितने रेड कैंडल्स हैं वो सेलर्स हैं। तो आप गौर से देखें कि ना तो जितने सेलर्स आए उतने बायर्स हैं। अब सपोज मानिए इस कैंडल को आप देखें तो इतने सेल बायर्स आए तो फिर इतने सेलर्स चले गए,
फिर इतने बायर्स आए, फिर इतने सेलर्स गए, फिर इतने सेलर्स गए, फिर इतने बायर्स आए, फिर इतने सेल बायर्स गए, मतलब सेलर्स आए यहाँ पर। तो इस क्वांटिटी के हिसाब से आप देखें कि ये जंप आखिर किधर करने को जा रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आज तो ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है कि आप जो है ट्रेड लें। अगर बहुत रिस्क ले सकते हैं आप तो एक छोटा छोटा अप ट्रेड करें। जैसे ये एक रेड कैंडल 5 मिनट की आ रही है, इस 5 मिनट की कैंडल के बाद देखिए फिर से ये एक ग्रीन कैंडल, चाहे छोटी या बड़ी बनाए तो बनाए, अन्यथा ये अगर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल आती है तो हमको देखना है कि ये अपने लो लोअर लो को सबसे पहले तोड़ पा रही है। तो चलिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी हम लगा लेते हैं। अब हमको ये देखना है कि इस 5 मिनट के दौरान इस लो को ये ब्रेक कर पा रही है। ये अपने उस ट्रेंड लाइन तक भी नहीं आ पा रही है, यहाँ तक भी नहीं आ पा रही है। तो ये टोटल जो है अभी अनडिसीजन, आपको मैंने दिखाया कि 1 घंटे में अनडिसीजन कैंडल है। तो उसी समय से मार्केट में कुछ ऐसा स्ट्रेटेजीज बन गया है कि वो ना तो सेलर को प्रॉफिट देंगे ना बायर्स को प्रॉफिट देंगे। तो आई होप कि इस कैंडल का वेट कर लें हम लोग, उसके बाद इस तरह के मार्केट से हमें क्या करना है, अवॉइड करना है ट्रेड लेने से। क्योंकि आप अगर 50 पॉइंट के लिए घुसते हैं तो आप 20 या 30 पॉइंट ही गेन कर पाते हैं, 100 पॉइंट के लिए आप घुसते हैं तो आप 70 80 पॉइंट 50 पॉइंट ही गेन कर पाते हैं। तो ध्यान रखना है कि आप ना तो एकदम लो पे खरीद करके एकदम हाई पे बेच सकते हैं, ना तो एकदम हाई पे खरीद के लो पे बेच सकते हैं। सपोज मानिए अगर आप होल्ड भी कर जाते हैं तो क्या होगा कि आप हाई तक तो टिके रह जाएंगे, लेकिन डीके होते होते आपका प्राइस वैल्यू भी डाउन हो जाता है। तो इस हिसाब से आप मार्केट में स्थिरतापूर्वक सबसे पहले ट्रेंड लाइन को देखें, अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो ट्रेंड लाइन को देखें, ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप ट्रेड करें। थैंक यू दोस्तों। आगे आप अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट दें, लाइक करें, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही मैं आप लोगों को लाइव ट्रेड बताऊं। थैंक यू।